बहुत सारी सब्जियों और बच्चों की फेवरेट चीज से बनी ये पैटीज आप सबको जरूर पसंद आएगी। इसे आप किसी भी पार्टी या फिर ब्रेकफास्ट और स्नैक्स में चाय या कॉफी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में अच्छी क्वांटिटी में पानी लिया है और मैंने आलू को रफली चॉप कर लिया है और ये कच्चे आलू हैं जिसे हम उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। और अब इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। 15 मिनट्स हो गया है, ये आलू अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए आलू बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम छान लेंगे। और अब इस आलू को हम बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेते हैं। फोक या फिर आप पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। जब ये गर्म रहे तभी मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें आलू का डो चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो ये आलू को मैश कर लिया है और ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो गया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं सभी मसाले। हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डालते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और साथ ही में 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल देते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉफ्ट और स्मूथ डो बना के रेडी कर लेंगे। कभी कभी आलू में बहुत मॉइस्चर होता है तो उस हिसाब से कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा ऐड करें। तो ये देखिए सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, इजीली आप अगर हाथ में बॉल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बॉल बन जा रहा है, काफ़ी स्मूथ है। तो इसी तरीके से हमें चाहिए, अगर स्टिकी लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हम साइड रखते हैं और बना लेते हैं फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए पैन में डालते हैं हम 1 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया, अब इसमें हम डालते हैं चॉप गार्लिक और इसे हम कुछ सेकंड के लिए हल्का सा सॉटे कर लेंगे तेल के साथ। कुछ सेकंड सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं 1/4 कप फाइनली चॉप प्याज और इसे भी हल्का सा हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेते हैं। तो प्याज को भी थोड़ा सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम सभी वेजिटेबल्स डालते हैं। 1/4 कप ब्रोकली डाल रहे हैं जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 1/4 कप पीली शिमला मिर्च, 1/4 कप लाल शिमला मिर्च, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च, थोड़े से उबले हुए पालक है ये भी मैं डाल दे रही हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं फाइनली चॉप मशरूम। और सभी सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे कुक करेंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम को लो नहीं करना है, नहीं तो सब्जियों में से पानी निकल आएगा और फिलिंग करना डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे सब्जी आप जैसा खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पत्ता गोभी, फूल गोभी को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो सब्जियों को हाई फ्लेम पर रखकर बिल्कुल अच्छे से सॉटे कर लिया है और ये कुक हो चुकी है, हल्की क्रंची रहे सब्जियाँ तो खाने में अच्छी लगती हैं। और अब इसमें हम डालते हैं सभी स्पाइसेस। तो इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालते हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर भी डाल देते हैं, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालते हैं, ये जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल देते हैं। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़े से पनीर जिसे मैंने इस तरीके से छोटे पीसेस में कट कर लिया है और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ उतना ही कुक करेंगे जब मसाले सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए बहुत ही चटपटी टेस्टी सी फिलिंग बनकर रेडी हो गई है और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये फिलिंग ठंडी हो गई है और अब इसमें हम डालते हैं ग्रेटेड मोजरेला चीज़। चीज़ डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चीज़ी खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से चीज़ मिक्स हो गया है फिलिंग के साथ और ये फिलिंग बन के रेडी हो गई है। और अब हम लेते हैं आलू का मिक्सचर। तो यहाँ पे मैंने ये पोटैटो मिक्सचर लिया है और इसका हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेते हैं, हाथ में बिल्कुल अच्छे से रोल करेंगे। रोल करने के बाद इस तरीके से हम प्रेस करते हैं बहुत ही जेंटली। और अब इसके बीच में हम रखते हैं फिलिंग। तो यहाँ पे लगभग 1 टेबलस्पून फिलिंग रख रहे हैं और चारों ओर से फिलिंग को कवर करेंगे। अगर आपका ये डो जो है कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से भी थोड़ा सा डो लगा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये बाद में बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा।
तो देखिए बिल्कुल अच्छे से सील हो गया है, तो कहीं कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा डो लगा सकते हैं और फिर हाथ में इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। तो आप छोटे बड़े जो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक स्टफ्ड आलू पैटीज बना लिया है, बाकी सभी ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो ये सभी को स्टफ करके रेडी कर लिया है और चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पैन में डालते हैं तेल और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है और एक एक करके इसे हम रखते हैं पैन में। तो एक बार में मैंने 4 स्टफ पोटैटो पैटीज रखे हैं। आपका बड़ा पैन है तो इसमें आप एक बार में ज़्यादा भी सेक सकते हैं और इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर नीचे की तरफ से 2-3 मिनट के लिए सेकेंगे। 2-3 मिनट हो गया है, अब इसे हम पलट देते हैं। बिल्कुल जेंटली हमें इसे पलटना है। तो सभी को मैंने पलट दिया है और अब हम नीचे की तरफ से भी 2-3 मिनट के लिए सेकने देते हैं। तो नीचे की तरफ से भी 2 मिनट के लिए सेक लिया है और अब इसे हम पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली सेक गया है, काफ़ी क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इसे अब हम ऑन नहीं सेकेंगे और सभी को हम पैन से बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स बन गई है बहुत ही टेस्टी चीजी स्टफ्ड आलू पैटीज, जिसे आप घर में जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।